Good morning, children. How are you? I am Sangeeta Sharma and I am your Hindi teacher for class nursery. आज हम आपको घासे घर और ये fill up लिखना सिखाएंगे, ठीक है? ये घासे घर लिखना हम आपको सिखाते हैं. राइटिंग बुक में मैंने उस दिन वर्क कराया था ना आपको, पहले घासे घर मैंने राइटिंग बुक में लिखना सिखाया है, अब मैं आपको नोटबुक में लिखना सिखाऊंगी, ठीक है? आपकी देखिए लाइनें हैं नोटबुक में, इसी तरीके से हमें वर्क करना है. देखिए पहले हम ये ऐसे घुमाएंगे, ठीक है? इस लाइन में हम थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, ओके. इसी तरीके से हम ये यहाँ घुमाएंगे ऐसे. अब ये देखिए हम यहाँ घुमाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर हम ये सीधी लाइन खींच देंगे. घासे घर, घर की पिक्चर है ना ये, ये देखिए घासे घर, ठीक है? कितना आसान है. ये देखिए इसी तरीके से हम ये यहाँ लिखेंगे, घासे घर, 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 ठीक है? पहले मैंने आपको राइटिंग बुक में सिखाया है, उसमें डॉट डॉट बने हुए हैं ना, उस पर आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो गई होगी, इसलिए आपको इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब ये देखिए खाली जगह, ठीक है? आ से अनार के बाद क्या आता है? आ से आम. आपकी जो एग्ज़ाम होंगे ना उसमें ऐसी बॉक्स बने हुए आएंगे, बॉक्स में लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें आपको अपने आप लिखना है, ठीक है? आ से अनार के बाद आ से आम, आ से आम के बाद ई से इमली, ई से इमली के बाद बड़ी से ईक, उसे उल्लू, उसे उल्लू के बाद उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, एड़ी के बाद ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली. आपको इसी का सेम होमवर्क करना है, ठीक है? अब ये देखिए घासे घर हमने ये ऐसे लिखा है, ये खाली जगह है, ये रिवीजन वर्क है आपका, ठीक है? कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको अक्षरों की पहचान होनी चाहिए तभी आप लिख पाएंगे. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ई, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह खाली. वर्क बहुत सुंदर सुंदर करना है और इसी का वर्क आपको अपना होमवर्क में करना है, सेम होमवर्क नेक्स्ट पेज पे, ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.